गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर सब्जेक्ट साइंस। डियर लर्नर, वी आर लर्निंग चैप्टर नंबर टू, एडाप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन प्लांट्स, पौधों में जीवन की रक्षा के लिए अनुकूलन। तो इस चैप्टर में हम लोग यह सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि पौधे अपने जीवन को बचाने के लिए अपने अंदर क्या क्या चेंजिंग करते हैं। तो हमने इसमें पेज नंबर 13 पढ़ लिया था। इसमें हमने हैबिटेट एडाप्टेशन के बारे में पढ़ा। एडाप्टेशन क्या है? तो पेड़ पौधे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए अपने अंदर जो चेंजिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं? एडाप्टेशन। स्पेशल फीचर दैट अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज एडाप्टेशन। एक निश्चित क्षेत्र में अपने अंदर एक निश्चित क्षेत्र में कोई भी सजीव अपने अंदर जो परिवर्तन करता है वही क्या है? एडाप्टेशन, अनुकूलन कहलाता है। फिर हमने देखा हैबिटेट क्या है। द रीज़न वेयर ए लिविंग थिंग लिव्स आर ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड हैबिटेट। तो वह क्षेत्र जहाँ पर कोई सजीव प्राकृतिक रूप से उगता है या पाया जाता है वह उसका हैबिटेट होता है। फिर एडाप्टेशन इन प्लांट, तो पेड़ पौधों में एडाप्टेशन कैसे होता, अनुकूलन कैसे होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने इसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में पढ़ा, स्थली पौधों में कैसे अनुकूलन होता है। प्लांट एडाप्टेड टू ग्रो इन प्लेन, जो पौधे प्लेन, वो प्लेन समतल भूभाग पर पाए जाते हैं उनमें कैसे चेंजिंग होती है। प्लांट्स एडाप्टेड टू ग्रो इन डेजर्ट, तो पौधे जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं वह अपने आप में कैसे चेंजिंग करते हैं। प्लांट्स एडाप्टेड टू ग्रो ऑन हिल्स, पौधे जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं वह अपने में कैसे चेंजिंग करते हैं, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग ये सीखेंगे पेज नंबर 15, प्लांट्स एडाप्टेड टू ग्रो इन मॉर्सी प्लेसेस। ऐसी जगह जहाँ पर ज़मीन दलदल होती है, धसाऊ होती है, वहाँ पर पौधे अपने अंदर कैसे चेंजिंग करते हैं। मैनग्रोव ट्रीज इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट ग्रोविंग इन मॉर्सी एरियाज। तो जो सदाबहार का वृक्ष है यह एक एग्जाम्पल है जो मुख्यतः ऐसे जगहों पर पाया जाता है जहाँ की ज़मीन वो दलदल होती है, धसाऊ होती है। दीज आर द एरिया वेयर सॉयल इज क्ले एंड वेरी स्टिकी ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट। चूँकि यहाँ पर वाटर की उपलब्धता ज़्यादा होती है इसलिए ज़मीन जो है वो मिट्टी चिपचिपी रहती है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोविंग इन सच एरिया डू नॉट गेट सफिशियंट एरिया एयर। तो यहाँ के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों को पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाती है। दस दीज प्लांट्स डेवलप्ड एंड गिव आउट ब्रीथिंग रूट दैट हेल्प देम टू ब्रीथ। इसलिए ये पौधे अपने अंदर ब्रीथिंग रूट का निर्माण करते हैं। ब्रीथिंग रूट होती है जो प्लांट से लटकती रहती है और उसी की सहायता से ये ब्रीथ करते हैं। जैसे आपने कभी बरगद का पेड़ अगर ध्यान से देखा होगा तो बरगद के पेड़ में ये ब्रीथिंग रूट्स उसके तने से लटकती रहती हैं और ये रूट्स क्या करती हैं? प्लांट को ब्रीथ करने में मदद करती हैं। प्लांट्स एडाप्टेड टू ग्रो इन कोस्टल एरियाज, तो वे पौधे जो तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं तो उनमें कैसे परिवर्तन होता है? जैसे जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं तो ऐसे ऐसे प्लांट में, ऐसे पौधों में क्या चेंजिंग होती है? कोस्टल एरियाज़ है हॉट एंड वेट क्लाइमेट, जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है यहाँ का जो जलवायु होता है वह गर्म होता है और उसमें नमी भी रहती है। ट्रीज ग्रोविंग इन दीज एरियाज़ आर एडाप्टेड टू ग्रो इन द प्रजेंस ऑफ साल्टी वाटर। तो ट्रीज़ ग्रोविंग इन दीज एरिया, तो पौधे जो पेड़ जो यहाँ पर उगते हैं एडाप्टेड टू ग्रो इन प्रजेंस ऑफ साल्टी वाटर। तो ये अपने आप को जो नमकीन पानी होता है उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित करते हैं। दे हैव प्लेंटी ऑफ लीव्स एंड डू नॉट शेड दियर लीव्स थ्रू द ईयर।
तो दे हैव प्लेंटी ऑफ लीव्स, तो ऐसे पौधे जो समुद्र के किनारे उगते हैं उनमें ढेर सारी पत्तियां होती हैं, और ये पूरे वर्ष भर साल भर अपनी पत्तियों को गिराते नहीं हैं। प्लांट्स लाइक कोकोनट, टेक एंड रबर ग्रो वेल हीयर। तो जैसे नारियल का पौधा, रबर का पौधा, नारियल का पेड़, रबर का पेड़ ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट इज हैबिटेट, हैबिटेट क्या है? तो हमने ये देखा कि द रीज़न वेयर ए लिविंग थिंग लिव्स और ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है कि वह क्षेत्र जहाँ पर कोई भी सजीव उगता है या प्राकृतिक रूप से पाया जाता है वह उसका हैबिटेट, प्राकृतिक आवास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर टू है, नेम द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द एडाप्टेशन डेवलप्ड बाई प्लांट। तो वो कारक बताइए जो जिनके कारण पौधे अपने आप को अनुकूलित करते हैं, वे कौन कौन से फैक्टर हैं, वे कौन कौन से कारक हैं जिनके लिए पौधे अपने अंदर चेंजिंग करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड सनशाइन रिसीव्ड एंड वाटर अवेलेबिलिटी आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द एडाप्टेशन डेवलप्ड बाई प्लांट। तो वहाँ पर जिस जगह पर पेड़ उगे हुए हैं उस जगह का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का तापमान, और वहाँ अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वहाँ कितनी बारिश होती है, एंड सनशाइन रिसीव्ड, और वहाँ पर सूरज की रोशनी कितनी मिल पाती है, एंड वाटर अवेलेबिलिटी, और वहाँ पर पानी की क्या उपलब्धता है। ये कुछ कारक हैं जिनके कार जो एडाप्टेशन को अनुकूलन को प्रभावित करते हैं। इन्हीं कारकों के आधार पर पौधे अपने आप में चेंजिंग करते हैं। वेयर आर द एडाप्टेशन, क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट आर द एडाप्टेशन ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन प्लेन्स। तो जो प्लेन में पौधे पाए जाते हैं वह अपने आप में कौन कैसे चेंजिंग करते हैं। प्लांट्स एडाप्टेड टू ग्रो इन प्लेन्स शेड दियर लीव्स इन ऑटम एंड बियर न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। तो जो मैदानी भागों में पौधे पाए जाते हैं ये पौधे पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और जब बसंत ऋतु आती है उसमें नई नई पत्तियां धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, हाउ इज़ द कोकोनट ट्री एडॉप्टेड टू ग्रो इन कोस्टल एरियाज़। तो जो नारियल का पौधा है, पेड़ है, वह समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों में अपने आप को कैसे अनुकूलित करता है। तो प्लांट्स एडॉप्टेड टू ग्रो इन कोस्टल एरियाज हैव प्लेंटी ऑफ लीव्स एंड डू नॉट शेड दियर लीव्स थ्रू द ईयर। तो जो पौधे कोस्टल एरिया में उगते हैं, समुद्री क्षेत्रों में उगते हैं, उनमें पत्तियों की पर्याप्त मात्रा होती है और वे वर्ष भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। तो आपने देखा कि जो पौधे समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं वह अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं और वर्ष भर उनमें वो पत्तियां नहीं गिराते हैं और वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। नेक्स्ट, एक्वेटिक प्लांट्स में जो पौधे पानी में पाए जाते हैं उनमें क्या चेंजिंग होती है। एक्वेटिक प्लांट्स हैव एडॉप्टेड देमसेल्वेज अमेजिंगली टू सर्वाइव इन वाटर। तो जो पानी में उगने वाले पौधे हैं उनमें आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। दीज प्लांट कैन बी फर्दर डिस्टिंग्विश इंटू थ्री टाइप्स। इन पौधों को फिर तीन भागों में बांटा गया है, फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर प्लांट्स। तो कुछ पौधे जो पानी में पाए जाते हैं वो पानी की ऊपरी सतह पर तैरते हैं, कुछ होते हैं जो फिक्स उनकी जड़ें फिक्स होती हैं, और कुछ होती हैं जो अंडर वाटर, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे पानी में पाए जाने वाले जो पौधे हैं वो तीन तरह के होते हैं, जैसे फ्लोटिंग जो पानी के ऊपर तैरते हैं, और कुछ होते हैं जिनकी जड़ें तालाब के तलैटी में फिक्स होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर ही होते हैं।
फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स में डक वीट, वाटर लेट्यूस एंड वाटर एसेंथ आर सम फ्लोटिंग प्लांट्स। तो जैसे डक वीट, वाटर लेट्यूस एंड वाटर एसेंथ, ये कुछ पानी में तैरने वाले पौधे हैं। मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स हैव ए फाइब्रस रूट। तो इन पौधों में फाइब्रस रूट पाई जाती है, जैसे वो अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। बट दे नॉट फिक्स्ड एट द बॉटम, लेकिन वो जो तालाब का तल है, मिट्टी है, उससे वो फिक्स नहीं रहती हैं। ऑफ दिस वाटर बॉडी दीज रूट्स जस्ट फ्लोट बिलो द सरफेस। तो इनकी जो जड़ें हैं वो पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। दीज प्लांट्स हैव फ्लोटिंग लीव्स विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय ट्रैपिंग सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन पौधों की जो पत्तियां हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं सूरज की रोशनी से। सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, खाना बनाती हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। तो पत्ती की ऊपरी सतह पर क्लोरोफिल पाया जाता है। एज दिस इज द ओनली पोर्शन विच इज एक्सपोज टू सनलाइट। और यही पत्ती का जो ऊपरी सतह है, इस पर क्लोरोफिल पाया जाता है, यहीं से फोटोसिंथेसिस होती है। फ्लोटिंग प्लांट्स आर लाइट एंड स्पॉन्जी टू फैसिलिटेट फ्लोटिंग। जो तैरने वाले पौधे हैं वह हल्के होते हैं और स्पॉन्जी फूले हुए होते हैं, जिसकी सहायता से ये पानी के ऊपर तैर पाते हैं। बिंगोज नॉलेज बैंक द रूट सिस्टम ओनली हेल्प टू होल्ड द फ्लोटिंग प्लांट्स इन दियर प्लेस। तो जो रूट सिस्टम होता है वो केवल इसको तैरने में ही मदद करता है, और इसकी जड़ें जो है वो ज़मीन से अटैच नहीं रहती हैं। तो आपके यहाँ भी तालाब में वाटर लेट्यूस के पौधे हैं जो आप देखे होंगे, तालाब में रहते हैं, ये प्लांट तैरते रहते हैं और इनकी जड़ें ज़मीन से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं। फिक्स प्लांट्स लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जांपल ऑफ फिक्स प्लांट्स। तो जैसे कमल है और वाटर लिली है, इनकी जड़ें तालाब के मिट्टी से जुड़ी हुई होती हैं। दे आर कॉल्ड सो because their roots are fixed to the bottom of the pond. They are called so because their roots are fixed to the bottom of the pond. तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं वो तालाब का जो तल है उससे जुड़ी रहती हैं। Their stem are long. इनका जो तना है वो लंबा होता है, hollow, खोखला होता है, light, हल्का होता है, and flexible so that they can bend easily with the waves of water and do not get uproots. तो इनका तना लंबा होता है, लचकदार होता है, खोखला होता है, जिसकी सहायता से ये पानी पर तैर पाते हैं, और जो वाटर वेव होती हैं, जो हवा में, जो पानी में लहरें उठती हैं, उनकी वजह से ये उखड़ती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये बेंड हो जाती हैं इजिली। दियर लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, और इनकी पत्तियां पानी की सतह पर तैरती हैं। अंडर वाटर प्लांट्स पानी के अंदर पाए जाने वाले पौधे, प्लांट्स लाइक हाइड्रिला, पॉन्ड वीड एंड टेप ग्रॉस आर सम अंडर वाटर प्लांट्स। तो जैसे हाइड्रिला, पॉन्ड वीड और टेप ग्रॉस, घासें, ये सब पानी के अंदर पाई जाती हैं। सच प्लांट्स आर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर एंड हैव थिन रिबन लाइक नैरो लीव्स। तो ऐसे पौधे हमें पानी के अंदर डूबे रहते हैं, पूरी तरह से डूबे रहते हैं, और इनकी जो पतली रिबन की तरह से पत्तियां होती हैं, बहुत ही पतली पतली पत्तियां होती हैं। देयर इज़ नो स्टोमेटा इन दियर लीव्स, और इनकी पत्तियों में स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय द एक्वेटिक एनिमल। तो ये पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो जलीय जंतु कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उन्हीं को लेते हैं एनिमल थ्रू दियर बॉडी सरफेस टू प्रिपेयर फूड।
तो एनिमल जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उन्हीं उन्हीं की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ये भोजन बनाते हैं। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे जो हरे नहीं होते हैं। हैव यू सीन ये मशरूम प्लांट, क्या कभी आपने मशरूम के पौधे को देखा है? इफ़ नो, अगर नहीं देखा है, देन आस्क योर मदर, तब आप अपनी माँ से कहिए, पूछिए, टू शो इट टू यू, वह आपको मशरूम का पौधा दिखा दें। तो मशरूम मोल्ड्स एंड बीज ड्रॉप्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो जैसे मशरूम, फफूद, इन ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, ये हरे पौधे नहीं होते हैं। दैट लाइक क्लोरोफिल, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सिंस दीज प्लांट्स कैन नॉट मेक दियर ओन फूड, इसलिए ये पौधे अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। थ्रू फोटोसिंथेसिस इनके अंदर जब क्लोरोफिल है ही नहीं, तब ये अपना भोजन कैसे बनाएंगे? दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये अपना भोजन दूसरे स्रोतों से लेते हैं। अनयूजुअल बट अमेजिंगली इंटरेस्टिंग प्लांट, तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अलग तरह के हैं, जो आश्चर्यजनक तरह के हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग प्लांट हैं। तो दीज आर सम अनयूजुअल प्लांट्स लाइक वीनस, फ्लाई ट्रैप, सन ड्यू एंड पिचर प्लांट विच ईट इंसेक्ट। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े खाते हैं, जैसे फ्लाई ट्रैप, सन ड्यू, पिचर प्लांट, ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। दियर लीव्स आर मॉडिफाइड टू कैप्चर इंसेक्ट, इनकी पत्तियाँ परिवर्तित हो जाती हैं, ऐसी संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं जिससे ये कीड़े मकोड़े पकड़ सकें। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसे पौधों को मृत्यु कीट भक्षी पौधे कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट मीन्स कीट भक्षी पौधे। इन ए पिचर प्लांट, जो पिचर प्लांट है, द लीव्स इज मॉडिफाइड इंटू पिचर लाइक स्ट्रक्चर। पिचर प्लांट की पत्तियां मटकी के आकार के, जैसे मटका होता है, ऐसे मटकी की संरचना में बदल जाती हैं। द लीफ टिप इज मॉडिफाइड टू फॉर्म ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज टू द माउथ ऑफ द पिचर, और इसकी पत्ती जो है वो लिड, ढक्कन में बदल जाती है, जो उस मटकी को कभी बंद करती है और कभी खोल देती है। वंस एन इंसेक्ट इंटर द पिक्चर, जब एक बार कोई कीड़ा कीट उस मटकी में चला जाता है, द लिड क्लोज, तो क्लोजेस और उसका ढक्कन बंद हो जाता है, एंड द इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड इनसाइड, और वह कीट उसके अंदर फंस जाता है। तो ये चैप्टर नंबर 2 आपने देखा कि कैसे कीट बच्ची पौधों में परिवर्तन होता है, मॉर्सी प्लेसेस जो जहाँ की ज़मीन दलदल होती है, फिर जो वहाँ पर पौधों में क्या चेंजिंग होती है, फिर कोस्टल एरिया में जहाँ तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कैसे चेंजिंग होती है, फिर एक्वेटिक प्लांट में कैसे चेंजिंग होती है, फ्लोटिंग प्लांट में जैसे जो पानी पर तैरने वाले प्लांट हैं उनमें क्या चेंजिंग होती है, फिक्स प्लांट जो पानी में रहते हैं उनमें क्या चेंजिंग होती है, अंडर वाटर प्लांट में जो पानी के अंदर प्लांट पाए जाते हैं उनमें कैसे चेंजिंग होती है, फिर नॉन ग्रीन प्लांट जैसे मशरूम में कैसे चेंजिंग होती है, और फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट में कीट भक्षी पौधों में कैसे चेंजिंग होती, ये आपने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।